दौला में टिके रामजी अंबेडकर नगर में सोशल डिस्टेंसिंग रखकर घर में ही शादी हुई। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है, अब लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शादी समारोह को भी अनुमति नहीं है, फिर भी लोग नियमों के अनुसार शादी समारोह घर में ही निपटा रहे हैं। ऐसी ही एक शादी दौला में टिके पेंदाम परिवार में सम्पन्न हुई। दौला में टी रामजी अंबेडकर नगर निवासी वधु दीक्षा और वर आकाश ने लॉकडाउन में ही 7 जन के फेरे लेकर विवाहबद्ध हुए। 6 महीने पहले दोनों की सगाई हुई थी। लड़का गुजरात का है। सगाई होने के बाद आकाश लड़की के परिवार कुछ विधि विधान करने के लिए नागपुर आया तो लॉकडाउन में फंस गए। लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन और 17 मई तक बढ़ने से आखिर आकाश ने शादी कर ली। शादी के दौरान केवल दोनों परिवार के 10 लोग ही उपस्थित थे। शादी लगते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, बाद ही मंगलाष्टक बोले गए। शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। शादी के दौरान कोई खर्चा नहीं किया। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने दौला मेटी का उप सरपंच गजानन रामेकर मौजूद थे। वधु वर को परिवार के रिश्तेदारों ने फोन पर ही शुभकामनाएं दी। सरकार की अनुमति से जो उन्होंने निर्देश जारी किया है शासन की तरफ से कि 5-5 फीट की दूरी बना करके शादी करिए, उसका हमने पालन किया। हमारे यहाँ कम मेहमान आए और हम अपने पद्धति का निर्वाह करते हुए शादी को संपन्न किया। कर आज आमचं लग्न होतं तर सोशल सरकारच्या म्हणण्यानुसार आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून आज लग्न केलं। तर यांच्याकडनं 4 लोक होते आणि आमच्याकडनं 4 लोक होते। तसेच आमचे गावचे उपसरपंच श्री गजानन रामेकर हे सुद्धा उपस्थित होते। आज आमच्या ग्रामपंचायत सदस्य श्री कमलताई पेंदाम यांच्या मुलीचा विवाह गेल्या 3 महिन्यापासून जुळलेला असून गेल्या 22 तारखेपासून शासकीय लॉकडाऊन असल्यामुळे जो विवाह सोहळा आहे हा शासनाच्या नियमाप्रमाणे नवरीकडील 4 व्यक्ती व नवरदेवाकडील 4 व्यक्ती असा विवाह आज 1 मे रोजी संपन्न झाला असून शासकीय योजनेचे तंतोतंत पालन केले असून डिस्टन्स व वधू वराकडील थोडक्यात 4-4 व्यक्ती असे 8-10 लोक परिसरातील जमले असून आज विवाह संपन्न झाला। इन BCN के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।